A24 न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ दरभंगा के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने कल राजस्थान के कोटा से बिहार के दरभंगा पहुँचे छात्रों को पुष्प का गुच्छा देकर एवं मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क दे करके उनका स्वागत किए। बता दें कि छात्र जो राजस्थान के कोटा में फंसे हुए थे वो विशेष ट्रेन द्वारा कल पहुँचे दरभंगा, जहाँ जिला पदाधिकारी ने पुष्प का गुच्छा और मास्क दे करके उनका स्वागत किया। वहीं सीतामढ़ी में विशेष ट्रेन पहुंचने वाली है, जहां छात्रों को सम्मान पूर्वक रिसीव करने के लिए प्रशासन ने सीतामढ़ी प्लेटफॉर्म को सजाकर एक बारगी से इंतजार कर रहे हैं। ये सीतामढ़ी स्टेशन की तस्वीर है। खबर है मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर जिले के डकराम गांव में जाहिलों ने अंधविश्वास की हदें पार कर दी। आज के इस बढ़ते समय में, इस नए भारत में भी अभी तक अंधविश्वास का कीड़ा कहीं छुपा हुआ है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है और ऐसा ही एक घटना घटित हुआ जो बेहद ही शर्मनाक है। जी हाँ डकराम गांव में बूटा सहनी के माँ, मौसी और उसके नन तीनों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। अंधविश्वास के आड़ में उनको डायन बताकर उन तीनों को मैला पिलाया गया, उनके सर मुंडवाए गए और उन्हें अर्धनग्न अवस्था में पूरे गांव में घुमाया गया, जो बेहद ही शर्मनाक है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। देश में महिलाओं के प्रति कानून का सख्ती बढ़ता जा रहा है, लेकिन वहीं पे इन जैसे जाहिल और गंवार मानसिकता वाले लोगों के बीच महिलाओं का शोषण हो रहा है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है और इस पे प्रशासन को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद।